गाइस गुड मॉर्निंग ऑल्सो, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो बस यार अभी जो हम लोग सो के उठ चुके हैं तो बस अभी हम लोग गए नहीं कॉलेज एंड बस अभी सर में पेन हो रहा था इस वजह से जो हम लोग कॉलेज नहीं गए। एंड वैसे तो कल शाम से ही हो रहा है पेन, इसके लिए कभी हो रहा है कभी रुक रहा है कभी हो रहा है कभी रुक रहा है, इस वजह से हम लोग कॉलेज गए नहीं। खैर यार आपको हमेशा की तरह एक काम करना है, इस ब्लॉग को ऐसे लाइक कर देना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो दबा देना है। खैर अभी नाश्ता करते हैं, नाश्ते से पहले सबसे पहले जाके नहा के आते क्योंकि मैंने कल रात को नहीं नहाया, सीधा अभी नहाने का सोचा था एंड मैं सोचा था कल नहा लूँ लेकिन नहीं नहाएंगे क्योंकि कल फिर से नहा लेंगे, कल जुम्मा है ना इसके लिए कल फिर से नहा लेंगे। फटाफट जाके मैं सबसे पहले फ्रेश होकर आता हूँ एंड बस अभी सबसे पहले फ्रेश हो जाते हैं फिर नाश्ता करेंगे। वैसे भी जब हम लोग नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं तो बस यार लिटरली भूख लग रही है तो बस अभी थोड़ा सा फटाफट नाश्ता करते हैं एंड चलते हैं। शॉप पे तो नहीं जाएंगे, सीधा जाना हम लोग को आदेश भाई के पास क्योंकि गाड़ी जो है कल रिपेयर हो गई थी लेकिन अभी उत्तर लेके जाने पे ना फिर से कुछ प्रॉब्लम है। मतलब यार गाड़ी जो है ना ऐसी लोड भी तो इतना ज़्यादा था ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती है। कोई नहीं अभी गई, एक छोटी सी प्रॉब्लम है आई थिंक शायद हैंडल का कुछ प्रॉब्लम है, हैंडल एक तरफ भागता है ना उसी का प्रॉब्लम होगा जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो बस उधर दी है तो अभी फटाफट नाश्ता करते हैं, नाश्ते में तो हमारी वेज भाजी है तो फटाफट नाश्ता खाते हैं हम निकलते हैं फटाफट वहाँ के लिए अपना औदेश भाई के लिए फिर नाश्ता कर लेते हैं। खैर गाइस हमारा जो है नाश्ता करके हो चुका है तो बस अभी हम लोग निकल रहे हैं औदेश भाई के लिए, ऑटो तो उधर ही खड़ी है एंड हाँ ये रही हमारी स्मार्टी तो बस अभी चलते हैं। आज बाल भी दिन से साइकिल के ना तो कोई नहीं, बस अभी चलते हैं फटाफट औदेश भाई के इधर एंड लेके आता हमारी ऑटो उठा। खैर गाइस शॉप के इधर तो आ गए तो बस आई मीन अपना राकेश अंकल के पास आ गए तो ऑटो तो उसमें अभी काम कुछ नहीं हुआ तो बस अभी कुछ सामान लिया है ये ग्रीसिंग भी होगी आज गाड़ी में, वाइस हो गया टाई हो गया पुलिस सुपर एक्सल ये सब सामान अभी लिया है अभी इसको लेके चलते हैं आदेश भाई के इधर। खैर गाइस अभी जो दोपहर का टाइम हो चुका है एंड टाइम जो हो रहा है 1:15 हो चुके हैं तो खैर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लिटरली आज का जो हमारा पूरा जो टाइम है वो यहीं पे जाने वाला है क्योंकि कुछ ना कुछ आज जो है काफ़ी ज़्यादा ऑटोस भी है ना तो आज काम है ऑटोस भाई के पास तो बस इस ऑटो का काम चालू है। ये वाली का काम जैसे ही ख़त्म होता है फिर अपनी वाली पे लग जाएंगे अपनी वाली में। फिर वैसे अभी तो टाइम 2:00 अब जाके जो हमारा नंबर है लिटरली 2:00 एंड बहुत ज़्यादा ही थक गया टाइम दिखाओ के जा रही है अभी तो एक प्रॉब्लम है ना, पीछे से दिखाऊंगा तो नहीं दिखेगा, सेल्फी कैमरा में दिखाऊंगा तो उल्टा दिखेगा। 2:00। खैर अभी लगता है अपना ऑटो का पूरा काम करवाते हैं। सो गाइस ये जो टायर था ये वाला आगे लगा था एंड ये वाला जो है पीछे लगा था तो सिर्फ टायर चेंजेस किए आगे पीछे, ये टायर आगे पीछे का किया एंड कल किसी और से मतलब टायर किसी और से पास ही चेंज होता ना इतना ज़्यादा टाइट कर देना लिटरली अब वो ढंग से खुल रहा ही नहीं है, आई मीन खुल रहा ही नहीं है लिटरली इतना दम लगा रहे हैं आदेश भाई खुल रहा ही नहीं है वो ढंग से। अब ये लगा के अब इसकी मदद से खोलेंगे, इससे जल्दी हो जाता ना खच खच कर करके। यू कैन डू इट, हथौड़ा मारो ना इतना टाइट हो रहा है देखो हथौड़ा मारने की ज़रूरत पड़ रही है। यार अभी जो है कुछ और सामान भी लेने की ज़रूरत पड़ गई, रिटर्न जाना पड़ रहा है लेटरली यार क्या बताऊँ। ऑटो का काम में आज पूरा दिन निकल जाएगा मेरे को लगता है, आज मेरा कहीं जाने का प्लान था ऐसे ही थोड़ा कहीं घूमने फिरने नॉर्मली अकेले अलोन। ले लिया सामान वो जा रहे हो देश जा फुल एटीट्यूड। सो गाइस ग्रीसिंग हो चुकी है तो ये देखो ग्रीस जो है यहाँ यहाँ लगाया जाता है, मतलब यहाँ पे जो इंजन होता है ना इंजन जो घूमता है सो वो है ना पूरा उसको फ्री होने के लिए सारे ज़्यादा वो चाहिए रहता है ग्रीस। तो गाड़ी भी अब उतर चुकी है एंड हमारी ग्रीसिंग भी हो चुकी है सो ग्रीस जो है गाइस कुछ इस तरीके का रहता है तो कुछ इस तरीके का होता है एंड ये जो टायर वायर में लगाते हैं टायर वायर के जो इंजन का पार्ट है उस पर लगाते हैं ताकि जो है गाड़ी अच्छे से चले एकदम फ्री होकर चले स्मूथली। हो चुकी है ग्रीसिंग, बस अभी अंदर से और कुछ देख रहे हैं एंड हमारा जो आगे का ये हैंडल भी देखना है देखो एकदम ढीला हो चुका है ना इसके लिए इसको थोड़ा टाइट करना है ताकि एकदम सीधी चले। तो आज का जो गाइस पूरा दिन निकल ही गया, खैर थक भी गए तो बस अभी जो भी काम है ऑटो का काम करवा के जाते हैं घर एंड खाना पीना खा के खाना तो आज हम लोग नाश्ता तो सुबह ही हो गया था क्या बोलते हैं 10 बजे तो भूख तो लग रही है अभी जाएंगे थोड़ा खाना खाएंगे एंड थोड़ा सा टाइम मिलता है तो फ़ोन करके तो सबसे पहले मैं अपने हेलमेट स्टैंड के बारे में पूछूंगा हेलमेट फ़ोन स्टैंड कि वो आया या फिर मिला क्या, नहीं मिल गया होगा तो बहुत अच्छा है। खैर बस अभी फटाफट निकलते ऑटो लेके एंड मिलता है आप लोगों से घर पर। खैर गाइस अभी तो घर पर आ चुके हैं, पता नहीं आगे कुछ प्रोग्राम चल रहा है पता नहीं क्या
दिख रहा नहीं है लेकिन माइक वाइक लगाया है, कुछ तो चल रहा है। एक चीज खिड़की बंद करके सबसे पहले मैं व्लॉग ले लेता हूँ, थोड़ा सा ही तो कम हुआ। खैर अभी याद है, और तो जो भी सामान था सब सामान लगा के आ गया, लिटरली बहुत थक गया। इसमें तो 3 बज चुके हैं, 3:20 आराम से 3:30 होने वाले, 10 मिनट तो बाकी है। अब वैसे सबसे पहले तो मूड हट गए थे, सबसे पहले अच्छे से फ्रेश होते हैं, एंड इतना फ़ोन भी चार्ज पे लगा देता हूँ क्योंकि धूप में तो जल्दी मेरे फ़ोन की बैटरी लो होती है, और भी लोगों की होती है। फिर अभी फटाफट मुँह हाथ धो के फ्रेश होते एंड खाना खाते। खाने में क्या है मम्मी? मम्मी हेलो, हाय मम्मी, मम्मी खाने में क्या? राजमा चावल। चलो कोई नहीं, फटाफट पहले मुँह हाथ धो के फ्रेश होते हैं खाना खाते। खैर बस खाना पीना खा के तो हो चुका है, एंड बस ऐसे थोड़े बहुत जो है बाल सेट किए, आई थिंक ठीक से सेट नहीं हुई। खैर जब हम लोग बाल कटवाते हैं ना तभी एकदम क्लियर ही एकदम अच्छे से सेट होता है, एंड आई थिंक अभी जो कुछ प्रोग्राम जो चल रहा था वो थोड़ा सा बंद हो गया है, लेकिन पता नहीं क्या है, मेरे को तो कुछ आइडिया नहीं है इसके। आप लोगों को पता होगा कि आज क्या है, आई मीन आपके हिसाब से तो कल क्या है आपके हिसाब से। तो बस यार अभी चलते हैं थोड़ी देर में शॉप पे, एंड ये दिल्ली में दूध भी ले लिया हमारी छोटी सी लिए, छोटी करके दूध भी ले लिया, एंड थोड़ा सा बाहर से मीट भी ले लेंगे उसके लिए, एंड फिर जाएंगे शॉप पे, एंड फटाफट चलते हैं हम लोग सारा सामान लेकर शॉप पे। सुबह अभी शॉप पर आ चुके हैं, ये देखो अपने को साफ कर रही है। ओए मुंदरी मुंदरी, ओए इधर तो देख ले, इधर इधर देख, इधर 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 देख, देखो अभी इसको उठाऊंगा ना, ये हो रहा है पता नहीं कि उठाने के टाइम पे चिल्लाया जा रही है। इधर तो देख, इधर देख, इधर देख, कैमरा मैन तेरा वेट कर रहा है। बस यार अभी थोड़ी देर वेट टाइम चलते अपना थोड़े टाइम में, अभी देखते हैं सबसे पहले। तो बस यार गाइस लिटरली क्या बताऊँ मैं, आज का ज़्यादा से ज़्यादा गाइस मेरा पूरा दिन जो है सिर्फ ऑटो बनाने में ही गया है और कुछ नहीं। तो बस अभी देखते हैं जो भी और काम है वो फिनिश करते हैं। सो गाइस अभी तो हम लोग साइकिलिंग पे हैं, तो साथ में अल्फेज है, अहमद है, एंड मैंने जो है अल्फेज को एक चैलेंज दिया, पकड़ लिया हाथ, हाथ छोड़ के चलाने का। देख भाई गाड़ी आते हुए भी मैं डरा नहीं, देखो गाइस मैंने हाथ पकड़ के रखा, छोड़ के रखा है, पकड़ा नहीं मैं, इसमें फिर भी पकड़ लिया। देखो गाड़ी आने के बाद भी भैया अंत साथ में मत लेना यार, गाड़ी आएगी, मैं स्पीड चला रहा हूँ। खैर गाइस ये रहे लोग, यार पीछे तो शायद गाड़ी आ रही है ना, इसके लिए दिख रहा नहीं है। ये लोग भी सब हाथ छोड़ के चैलेंज कर रहे हैं, मेरा भी हाथ छूटा हुआ ब्रिज पे, एंड लिटरली नज़ारा देखो क्या मस्त लग रहा है। अभी देखो यहाँ से थोड़ा ऐसे जाएंगे साइड से, ओह फोन फेंक के देखो क्या बच्ची, फोन फेंक के देखो क्या, एक बार नीचे जाके हाँ भी बोलते। खैर बस यार हाय गाइस, तुम तू हाँ गा क्या, टिप्पा खड़ा है नीचे, टिप्पा आ जा ऊपर, आ जा ऊपर, आ जा ऊपर। खैर कोई नहीं, अभी साइकिलिंग करना है मैं और ये लोग तो चल के आए, मेरी साइकिल तो ये रही, यहाँ से जाएंगे ये लोग चल के जाएंगे या फिर सीढ़ी से उतर के चले जाएंगे नीचे। तो मैंने सोचा आज ब्रिज का भी करना चाहिए साइकिलिंग, एक बार बस मेरा गाइस फोन स्टैंड आ जाए, लिटरली मैं तो हेलमेट पहन के साइकिल भी चला लूँगा ब्लॉग के लिए। लिटरली बहुत मजा आ गया साइकिलिंग करके, तो मैं जो है साइकिल ऊपर चढ़ा रहा था ब्रिज पे, कहते हैं ना, तो साइकिल चढ़ा रहा था सीढ़ी से, गया हो गया छटका, कोई नहीं, फिर मजा आ गया। एंड हम लोग जब ब्रिज से उतर रहे थे तो वहाँ उतरते उतरते हम लोगों को एक एक्सीडेंट भी दिखा, जिसमें किसी वैगनर वाले ने किसी सुजुकी बाइक एक्टिवा को ठोक दिया था, तो बस वहाँ पर काफ़ी लड़ाई हो गई थी। खैर कैसे भी मैं जो आ चुका हूँ, तो बस एक जिम में आ गया, बिकॉज बाहर जो है बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा है, पापा वेद को चिल्ला रहे, तो कोई नहीं, आई होप आप सबको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। लेकिन आधे से ज़्यादा दिन तो गाइस हम लोगों का ऑटो में ही निकल गया, ऑटो रिपेयर करवाने में, तो आई होप आप सबको पसंद आएगा। पसंद आएगा इस ब्लॉग कैसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो खैर गाइस मिलते जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट ऑल।